और मध्य प्रदेश में चार चरणों में लोकसभा चुनाव के मतदान होने हैं। दमोह लोकसभा के लिए बीजेपी से राहुल लोधी और तरवर सिंह लोधी चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। दोनों ही प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं। जनता का मूड जानने के लिए बंसल न्यूज की टीम पहुंची चाय नाश्ते की दुकान पर और समोसे का लुत्फ उठा रहे लोगों से बात की चुनावी जायके की। भैया रो राम राम, हमें मनीष सोनी और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। चुनाव को मौसम चल रहा है और चुनाव में कौन कौन सी जायगा देखने को मिल रहा है, इको जायजा लेबे के लाने हमारे पहुंचे हैं बुंदेलखंड के तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर में। आप देख सकते हो कि जो बांदकपुर मंदिर है, बड़ी संख्या में इतने पर लोग पहुंचे हैं और भोलेनाथ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और इतने भी चुनावी जायका बन रहा है। हम मौजूद हैं इतने की फेमस मिठाई की दुकान में, जहाँ पे पूरे देश के लोग आते हैं और जैसे प्रसाद लेके जाते हैं। अलग अलग जायका इतने पे देखने को मिला थे, कहूँ खोवा की गुजिया देखने को मिला थे, कहूँ देसी कलाकंद मिला थे। आओ हम जाते हैं भैया, कहाँ है आज के जायका में? कलाकंद, पेड़ा, गुजिया, बर्फी, कोई भी आइटम, सब बढ़िया है। अच्छा, देसी खोवा को? देसी खोवे, कलाकंद, पेड़ा, गुजिया। अच्छा, चुनाव का कह रहे थे, चुनावी जायका का बन रहा जी कोई नहीं बता सकते यहाँ पे, तो फिर भी का सोच वो है आप, का मुद्दा रहो चाहिए चुनाव में? उसमें तो कोई उद्देश्य नहीं है भैया, इनके जायका जोरदार है लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि चुनावी जायका का। भैया आपको कहा लगा था एक बार, कहा हुई है चुनावी जायका में? ये हमारी समझते भाजपा की लहरी चल रही है, लहरी का काम होना इस बार तो। भैया इनको क्या वो है कि भाजपा की लहर चल रही थी और भी लोग मौजूद हैं, भोलेनाथ के दर्शन कर भी आए हैं। भैया कहा लग रहा है एक बार चुनाव में क्या स्थिति बने? चुनाव का तो बस एक ही मुद्दा है, बीजेपी के अलावा कुछ है नहीं, हर घर मोदी, घर घर मोदी है, तो दूसरा तो सामने वाला प्रतिद्वंदी कोई है ही नहीं। कांग्रेस अगर सोचे या कोई भी बीजेपी, तो मोदी के लिए सब लोग आज चाहते हैं और ज़रूरी है, देश के लिए मोदी का आना जरूरी भी है। बिल्कुल, इनको क्या वो जो है कि देश के लाने मोदी को आप जरूरी। भैया आपको क्या क्या वही बात, चुनाव में क्या स्थिति बने बुंदेलखंड में? बुंदेलखंड में तो यही है कि मोदी सवा और कोई नहीं है, घर घर मोदी, मोदी ने ले लिया गोदी में सबको, वही है सब। बिल्कुल भैया, आपको क्या मान हुई बात, चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है? 400 पार राहुल भैया, अच्छी मतलब 5 लाख मतों से बीजेपी बनेंगे और 400 पार होगी इस बार। भैया गुजिया और समोसा के जायका के बाद हम देखा थे कहते चाय बन रही है, जायते की फेमस चाय की दुकान है, पूरे बांदकपुर के लोग इकट्ठे होते हैं और चाय पीवे आते हैं। भैया इस बार का लग रहा है, कैसी चाय रहे चुनाव की? तो जनता पार्टी को रहे है नंबर एक को काम, और चाय की भी इसमें सब हो रहा है, सरकार होने की बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। कुल मिला के चाय को बोलबाला है और जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। दादा आपको क्या लग रहा हो, क्या रहा है इस बार चुनाव में? मोदी रहे 400 से पार, मोदी जनता पार्टी। दादा आपका सोचा था क्या हुई है? भाजपा ने बहुत जबरदस्त विकास करे है, इसके पहले देश में कुछ नहीं था 20 साल पहले, जो वर्तमान में एकदम विकास ही अमेरिका बन गया है हिंदुस्तान का। जो साधु संत भी मौजूद हैं, जो दूर दूर से तैयार हैं, का के वो दादा का रही बार चुनाव में? चुनाव में जो होगा वो रहेगा तो सामने ही आ जाएगा, ये अब क्या कह दे कि क्या। कहाँ से आए आप? अयोध्या से। अयोध्या से आए? हाँ जी। रामलला के दर्शन किए? रामलला के खूब। अच्छा बांदकपुर क्यों आए हैं आप? बांदकपुर भी दर्शन के लिए आए। हो गए जागेश्वरनाथ के दर्शन? हाँ जी हुआ हुआ। क्या कहेंगे चुनाव में, क्या हुई है चुनाव में? अब वो भोलेनाथ जाने, अपन इसके मामले में, चुनाव के मामले में कुछ नहीं कर। रामलला कर है कछु? रामलला तो कर ही रहे हैं, जो कुछ करना होगा तो वो ही तो कर ही रहे हैं जी। भैया रो बांदकपुर में भी अलग अलग चुनाव को जायका देखने को मिल रहा है। अब ये मिठाई की दुकान गुजिया की फेमस दुकान पे जायका लाओ, आप देख सकते हो कि समोसा बन रहे हैं, बड़े जोरदार समोसा बन रहे हैं, गजब के समोसा लग रहा है, गरम गरम समोसा खावे के लाने ते पे लोग डटे हैं। जिस बेई लोग आए जो पहले उनने भगवान जागेश्वरनाथ के दर्शन करे और अब भैया पेट पूजा हो रही है। दादा क्या बन रहा है? समोसा। कैसे हैं समोसा? अच्छे वाले, बड़े बड़े वाले समोसा। आओ जाना था कैसो स्वाद है। भैया क्या लग रहा है इस बार, क्या स्थिति रहे है चुनाव में? आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति रहे चुनाव में? बढ़िया है। समोसा कैसे हैं भैया? हम तो इधर सिवाय कहीं समोसा खाते नहीं हैं, हमारे बहुत टेस्टी और बहुत सुंदर है। इस बार चुनाव में टेस्ट कैसे रहे? चुनाव में बहुत अच्छा रहेगा। आप कहाँ चाह रहे का? ऊपर वाले की इच्छा हो गई, भोलेनाथ की वही होगा, जो भोलेनाथ की इच्छा हुई है वही इनकी इच्छा हुई है।
भैया आपको क्या लग रहा क्या रही हुआ चुनाव में बांदकपुर में और पूरे बुंदेलखंड में? कैसो आ भैया और लोगों से बात करते हैं, इतने फोन पे लगे हैं, इतने समोसा बन रहा है, कुल मिला के जा कही जा सकते हैं कि इतने चुनावी जायका तनक फीको नजर आ रहा है, लेकिन समोसा बड़े जोरदार हैं। मनीष सोनी, बंसल न्यूज, दमोह।